नवयुग स्कूल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नवयुग प्रगति आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हिंदी व्याकरण से मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे आप अपनी पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी भाषा में मुहावरों की क्या विशेषता है, हम मुहावरे क्यों पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा में मुहावरों की भूमिका क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद विद्यार्थी मुहावरों के वास्तविक अर्थ को समझकर अपने शब्दों में बता पाएंगे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। दैनिक जीवन में बोले जाने वाले मुहावरों को समझने और उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करने में समर्थ होंगे। अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े गए मुहावरों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को समझकर मुहावरे बताइए। चित्र 1, इसमें आपको एक दिया दिया है और आपको अंधेरा शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मुहावरा बनेगा दिया तले अंधेरा, अर्थात समर्थ के पास ही कमी होना। दूसरे चित्र में हाथ बना हुआ है जिसमें कंगन पहना हुआ है और शब्द लिखा है आरसी, तो जो हमारा मुहावरा है वो है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका तीसरा चित्र जिसमें एक बाजू जिसे आस्तीन कहा जाता है बनी हुई है और उसमें एक सांप है, आस्तीन का सांप यानी के कपटी मित्र। अगला जो चित्र है उसमें 1 और 1 11 है, यानी के संगठन की एकता की शक्ति को दिखाया गया है, 1 और 1 11 है। अब हम कक्षा 5 के लिए कुछ नए मुहावरे सीखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना सीखेंगे। कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरा है और उसका अर्थ सच्चाई सामने आना। तो यहाँ पर जो लाल रंग के वाक्यांश आपको दिए हैं ये आपके मुहावरे हैं और जो नीले रंग से वाक्यांश लिखे हैं ये आपके अर्थ हैं। कलई खुलना, सच्चाई सामने आना। बीरबल जो थे वो राजा अकबर के सामने मंत्रीगण की कलई खोलकर रख देते थे, जो भी मंत्रिमंडल होता था उसकी सारी सच्चाई जो बीरबल हैं वो राजा अकबर को बता देते थे। घी के दिए जलाना, प्रसन्नता प्रकट करना, खुशियां मनाना। श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। हाथ मलना, पछताना। अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करने के बाद अक्सर हम हाथ मलते हैं, पछताते हैं, हमने ऐसा क्यों किया। चंपत होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। किचन में मम्मी को आता देखकर बहन चंपत हो गई। भीगी बिल्ली बनना, घबरा जाना, डर जाना। वैसे तो मेरा भाई पूरा दिन शरारत करता है लेकिन पापा के आने के बाद भीगी बिल्ली बन जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में मुहावरे खोजे। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है, आपने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से मुहावरे अलग करने हैं। अपने दादाजी से मिलकर मैं फूला न समाया, तो यहाँ पर फूला न समाया मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। अपने दादाजी से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अगला वाक्य, राम ने हमेशा सोहन की मदद की पर जब राम को ज़रूरत पड़ी तो सोहन ने अंगूठा दिखा दिया। मुहावरा अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना। राम ने तो हमेशा सोहन की मदद की लेकिन जब राम को ज़रूरत पड़ी तो सोहन ने साफ मना कर दिया। भारत की सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना बुरी तरह हराना,
भारतीय सेना ने दुश्मन को बुरी तरह हरा दिया। राधिका के लिए ये खाना ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, यानी बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा राधिका के लिए ये खाना बहुत कम है। राहुल ने दौड़ में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाना बहुत मेहनत करना, यानी राहुल ने दौड़ में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की। अब इन मुहावरों का आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। हाँ जी, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इन सभी मुहावरों को पढ़ने के बाद हमने सीखा मुहावरे क्या हैं। मुहावरे ऐसे शब्द समूह अथवा वाक्यांश हैं जो भाषा को विशेष अर्थ देते हैं, भाषा को रोचक बनाते हैं और भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। मुझे आशा है आप सबको मुहावरों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।